आज मैं आप लोग को एनुलिन, एजुलिन एंड फुलबेलिन एंड नन हकल लोन पियर एंड पाई बॉन्ड सिस्टम में आपको एरोमेटिसिटी करेक्टर के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए एनुलिन है, एनुलिन में देखते हैं कि एरोमेटिक करेक्टर क्या होते हैं। तो एनुलिन जो है ये होता है होमोसाइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम। जैसे हमारा यहाँ पे एग्जांपल देखिए, ये जो हैं हमारे साइक्लिक कंपाउंड हैं, होमोसाइक्लिक हैं, और इसमें जो हैं कितने हमारे पाई बॉन्ड्स हैं, दो पाई बॉन्ड्स हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, फोर हो गए, फोर पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कार्बन भी उतना ही रहेंगे, 1, 2, 3, 4। यानी कोई भी एनुलिन सिस्टम में जितने कार्बन हैं उतना ही क्या रहेंगे, हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो यहाँ पे फोर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और फोर कार्बन है। अब इसमें हम लोग देखते हैं, तो ये इसमें देखेंगे हमारा क्या कि इस सिस्टम में हम लोग देखते हैं कि ये देखिए हमारा पहले जो बताए थे इसमें हमारा पाई बॉन्ड्स कितने हैं, दो हैं। तो ये दो हो गए हमारे, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, इवन नंबर है, तो इसलिए ये हमारा सिस्टम क्या है, एंटी एरोमेटिक है। ऐसे देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, हमारा यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 sp2, यहाँ भी क्या है sp2 sp2, सभी जगह हैं sp2 हैं, प्लेनर स्ट्रक्चर हैं, साइक्लिक हैं, लेकिन इसमें हमारे जो हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है हकल रूल को फॉलो नहीं करता है, हमारा इवन नंबर है, इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये एंटी एरोमेटिक। तो ये एजुलिन सिस्टम एंटी एरोमेटिक है। दूसरा, ये जो हमारा है ये एनुलिन है, हमारे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें हैं, इसमें हमारे देखिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 कार्बन भी हैं, बेंजीन ये स्ट्रक्चर है। तो ये तो हम लोग जानते हैं हकल रूल को फॉलो करते हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स उसको फॉलो करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएंगे, एरोमेटिक। लेकिन अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे ये जो हैं, ये हमारे यहाँ पर देखिए अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल डबल, ये अल्टरनेट हैं। तो ये जो हैं हमारे इसमें कितने 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये देखिएगा हमारा कौन सा रूल, ऐसे तो एंटी एरोमेटिक का बिहेवियर, 4 पाई n रूल जो है हमारा ये फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इसका जो शेप होता है ये टब लाइक शेप होता है, ये हमारा होता है टब लाइक सेप। तो इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन हमारा जो है sp2 है, सभी कार्बन जो है sp2 हैं, लेकिन ये जो सेप हो जाते हैं टब लाइक सेप होते हैं, जिसके कारण से ये हमारा क्या हो जाता है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। अगर नॉन प्लेनर हो गया तो ये हमारा तो एरोमेटिक तो ऐसे नहीं दिख रहा था, एंटी एरोमेटिक भी नहीं होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड हो जाते हैं नॉन एरोमेटिक, तो ये हमारे नॉन एरोमेटिक हो जाएंगे। तो ये हमारा था 8 एनुलिन सिस्टम थे। अब देखिए 10 एनुलिन सिस्टम, 10 एनुलिन सिस्टम में 3 यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। अब ये तीनों का देखते हैं, ये जो हैं इसमें भी सभी कार्बन जितने हैं, अब इसमें देखिए 10 कैसे हो गए पाई इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2, 3, 4, 5, 5 पाई बॉन्ड्स हैं, यानी 10 जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए और 10 कार्बन भी हो गए। तो यहाँ पे हमारा देखेंगे ये जो है 10 एनुलिन सिस है, सिस अगर यहाँ हाइड्रोजन ड्रॉ करें, इसको पेरीफेरल हाइड्रोजन कहते हैं, इस तरह से हाइड्रोजन अगर ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा क्या है, सिस पोजीशन पे, डबल बॉन्ड के इधर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है सेम साइड में है, इसलिए सिस पोजीशन पे है। तो ये जो है ये हमारा भी जो स्ट्रक्चर होता है नॉन प्लेनर होता है, नॉन प्लेनर हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन इसमें नॉन प्लेनर क्यों हो जाता है, तो देखिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए वो 120 डिग्री होना चाहिए, लेकिन 120 डिग्री नहीं होता है, ये बॉन्ड एंगल 140 डिग्री हो जाता है, जिसके कारण ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाता है। अगर नॉन प्लेनर हो गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। तो ये जो एनुलिन है हमारा नॉन एरोमेटिक है। उसी तरह से यहाँ पे ये जो देखिए 10 एनुलिन, इसमें एक जो है ये ट्रांसफॉर्म में है, यहाँ हमारा एच है और ये एच है इस तरह से, तो ये हमारा किस फॉर्म में हो गया, वो एक जगह जो है ट्रांस पोजिशन पर है, बाकी हमारा सिस ही है, तो ये हमारा ट्रांस एक जगह है। तो इसके कारण यहाँ भी जो हमारा बॉन्ड एंगल देखेंगे, बॉन्ड एंगल sp2 हाइब्रिडाइजेशन होते हुए भी
चेंज हो जाता है 138 डिग्री, जिसके कारण ये भी नॉन प्लैनर स्ट्रक्चर हो जाता है, नॉन प्लैनर। तो नॉन प्लैनर हो जाने के कारण अगर हम देखेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। अगर एक चीज़ देखेंगे जैसे 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये 4 पाई प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स फॉलो करते हैं, यानी हकल रूल को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन नॉन प्लैनर होने की वजह से ये एरोमेटिक नहीं होके नॉन एरोमेटिक सिस्टम हो जाता है। 10 एनुलिन, ये भी जो है हमारा स्ट्रक्चर, इसमें भी देखिए हमारा यहाँ पे जो है हाइड्रोजन इस तरह से रहता है। इस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में जो है आपके जितने पेरीफेरी पर हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है सब प्लैनर हैं, सभी प्लैनर हैं, सभी प्लेन में हैं, लेकिन ये जो दो हाइड्रोजन है इसमें हमारा एंगुलर, ये दो जो हमारा कैविटी में जो हाइड्रोजन है इसमें होता है एंगुलर स्ट्रेन होता है, इसमें रिपल्सन होता है, वंडरवॉल रिपल्सन होता है, जिसके कारण ये वंडरवॉल स्ट्रेन के कारण, वंडरवॉल स्ट्रेन ये होने के कारण ये क्या हो जाता है हमारा, नॉन प्लैनर। ये हमारा हो जाएगा नॉन प्लैनर, नॉन प्लैनर हो गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। तो ये सिस्टम हमारे हो जाते हैं नॉन एरोमेटिक सिस्टम है। तो देखिए ये जितने भी 10 एनुलिन है ये हमारे क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक सिस्टम। लेकिन इसमें हमारा क्या है कि अगर ये ब्रिज्ड मिथिलीन रहेंगे, अगर ब्रिज्ड मिथिलीन आ गया, ब्रिज्ड मिथिलीन CH2 ग्रुप है, तो ये पूरा जो है हमारा 10 एनुलिन प्लैनर स्ट्रक्चर होता है, ये प्लैनर, प्लैनर स्ट्रक्चर होता है, जिसके कारण ये हमारा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। तो देखिए 10 एनुलिन में हमारा सेस हो, ट्रांस हो, चाहे ये वाले स्ट्रक्चर हो, ये तीनों हमारे क्या हैं, नॉन एरोमेटिक है। लेकिन ब्रिज्ड मिथिलीन रहेंगे तो ये प्लैनर स्ट्रक्चर हो जाता है, जिसके कारण ये क्या होता है, एरोमेटिक होता है। अब देखते हैं हमारा कुछ अदर्स एनुलिन्स के स्ट्रक्चर हैं ड्रॉ किए हुए, इसमें देखते हैं। ये आप देखिए ये है 12 एनुलिन, क्योंकि इसमें हमारे पाई बॉन्ड्स देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, यानी 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसमें 12 कार्बन भी हैं, सभी जगह अगर काउंट करेंगे 12 कार्बन है। अब इसमें देखते हैं हमारा ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन हमारा होता है पेरीफेरल हाइड्रोजन कहलाता है, ये सब हाइड्रोजन पेरीफेरल है, पेरीफेरल है, लेकिन इसके जो इंटरनल कैविटी में जो ये हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है 1 2, यहाँ पे ये हमारे हो गए क्या, यहाँ पे 3, ये देखिए ये जो हाइड्रोजन है इसका कैविटी जो है बहुत छोटा है, जिसके कारण इसमें वंडरवॉल स्ट्रेन होता है, वंडरवॉल स्ट्रेन, इसके कारण क्या होता है, ये लूजेज प्लैनरिटी, इसमें जो प्लैनरिटी जो है ये लूज कर जाते हैं, यानी ये हो जाते हैं स्ट्रक्चर क्या, नॉन प्लैनर। अगर नॉन प्लैनर हो गए तो हमारा ये क्या हो जाएगा, यानी सारा कंडीशन फुलफिल कर रहा है, SP2 हाइब्रिडाइजेशन है, साइक्लिक है, लेकिन फिर भी अगर अगर देखेंगे ये 12 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी इसको 4 पायन रूल जो है ये 4 पायन रूल फॉलो कर रहा है, लेकिन ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसे नॉन प्लैनर होने की वजह से ये हमारा हो जाता है क्या, नॉन एरोमेटिक। तो ये देखिए हमारा जो 12 एनुलिन है ये भी क्या हो जाता है, हमारा नॉन एरोमेटिक। उसी तरह 14 में आते हैं, 14 हमारा क्या हो जाएगा, तो इसमें भी देखिए ये तो पेरिफेरल हैं, लेकिन हमारा जो है यहाँ पे हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे लार्ज कैविटी है, यहाँ लार्ज कैविटी होने की वजह से ये अपना प्लैनरिटी जो है लूज नहीं करता है, यानी इसका जो स्ट्रक्चर है प्लैनर ही रहता है, प्लैनर रहता है, प्लैनर होने की वजह से हमारा ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। तो ये जो 14 एनोलिन होता है ये हमारा एरोमेटिक होते हैं। उसी तरह से हम लोग देखेंगे 16 का देखते हैं, 16 में अगेन हमारा यहाँ पे जो है इंटरनल कैविटी में जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, यहाँ पे स्मॉल कैविटी हो जाता है, फिर अगेन इसमें वंडरवॉल स्ट्रेन स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण ये अपना प्लैनरिटी को क्या करता है, लूज करता है, और ये नॉन प्लैनर स्ट्रक्चर हो जाता है, नॉन प्लैनर स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से अगर ऐसे देखें तो 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स है,
इसकी वजह से इसको एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन नॉन प्लैनर होने की वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाएंगे। उसी तरह से हम 18 एनुलिन सिस्टम को देखते हैं, इसमें भी हमारा क्या होगा, इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पे लार्ज कैविटी है, जो अंदर के जो हमारे हाइड्रोजन हैं वो उसके बीच में उतना रिपल्सन नहीं होता है, वंडर वॉल स्ट्रेन नहीं होता है, जिसके कारण से ये अपना प्लैनरिटी जो है लूज नहीं करता है, और ये हमारा ये जो है प्लैनर स्ट्रक्चर होता है। तो प्लैनर होने की वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा, अब देखिए साइक्लिक तो है ही, कंजुगेटेड सिस्टम है ही, ये हमारा क्या हो जाता है एरोमेटिक। तो इस तरह से ये देखिए एनुलिन जो है, एनुलिन में कौन सा हमारा एरोमेटिक होगा, कौन सा होगा नॉन एरोमेटिक। तो यहाँ कंक्लूजन है, जैसे अभी बताए हैं कि 4 एनुलिन अगर सिस्टम है तो एंटी एरोमेटिक, 6 एनुलिन सिस्टम है तो एरोमेटिक होगा, 8 का जो है ये टब सेप हो जाने की वजह से प्लैनरिटी लूज होता है, तो ये हमारा नॉन एरोमेटिक हो गया। 10 एनुलिन में 4 तरह का बताए हैं, जिसमें 3 जो थे सिस थे, 1 ट्रांस था, तो इसमें जो हम देखें कि जितने भी थे सब क्या थे, नॉन एरोमेटिक, केवल एक्सेप्ट जो ब्रिज्ड मिथिलीन वाले थे वो एरोमेटिक थे। 12 एनुलिन सिस्टम देखेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 12 हैं तो ये हमारा नॉन एरोमेटिक। 14 जो है, 14 में प्लैनेटरी लूज नहीं होता है लार्ज कैविटी होने की वजह से, इसीलिए ये एरोमेटिक सिस्टम है। 16 में फिर से यहाँ पे रिपल्सन जो स्टार्ट हो जाता है, बर्डन वंडर वॉल स्ट्रेन, ये हाइड्रोजन के बीच में रिपल्सन होता है, इसलिए ये भी हमारा क्या हो जाता है, 16 जो है नॉन एरोमेटिक सिस्टम है। लेकिन 18 जो सिस्टम है इसमें रिपल्सन वंडर वॉल स्ट्रेन उतना नहीं होता है, जिसके कारण ये क्या आता है हमारा एरोमेटिक होता है। तो इस तरह से ये एनुलिन हो गया हमारा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट जो देखते हैं, पॉलीसाइक्लिक नॉन बेंजोनाइड मॉलिक्यूल्स। तो देखिए ये जो है एग्जांपल, ये कंपाउंड का नाम है एजुलिन। अगर इसमें देखेंगे तो इधर में कितने मेंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंबर रिंग इस साइड में है, और इधर देखेंगे तो 5 मेंबर रिंग है, ये हमारा 7 मेंबर रिंग है, और इधर में क्या है हमारा 5 मेंबर रिंग है। अब इसमें तो इसीलिए इसका नाम है पॉलीसाइक्लिक, यानी दो साइक्लिक रिंग है इसलिए पॉलीसाइक्लिक हो गया। नॉन बेंजोनाइड यानी बेंजीन का स्ट्रक्चर दोनों में से कोई साइकिल का नहीं है, इसलिए नॉन बेंजोनाइड मॉलिक्यूल्स हो गए। तो इसमें जो कंडीशन है एरोमेटिसिटी होने के लिए, कंडीशन क्या है कि आपको C2 सिमेट्री प्रेजेंट होना चाहिए, प्रेजेंट C2 सिमेट्री प्रेजेंट ये होना चाहिए प्रेजेंट। तो हमारा देखिए, अगर यहाँ से अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो फिर से ये हमारा स्ट्रक्चर आ जाएगा, तो इसीलिए इसमें C2 सिमेट्री प्रेजेंट है। अब इसमें हम लोग देखते हैं इसका एरोमेटिक कैरेक्टर के बारे में देखते हैं, तो इसके लिए हमारा क्या है, क्रैग रूल में हमारा है कि अगर पाई बॉन्ड अगर हमारा इवन हो, हमारा ऑड हो जाता है, पाई बॉन्ड अगर ऑड है तो एरोमेटिक, अगर पाई बॉन्ड ऑड नंबर में है तो एरोमेटिक, और अगर पाई बॉन्ड इवन नंबर हो गया, इवन नंबर, तो ये हमारा हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। तो ये हमारा रूल्स है कि अगर पाई बॉन्ड है तो एरोमेटिक, और पाई बॉन्ड अगर इवन है तो नॉन एरोमेटिक। तो देखते हैं हमारा एजुलिन जो है इसमें हमारा क्या है एरोमेटिक कैरेक्टर। तो यहाँ एजुलिन है, एजुलिन में देखते हैं हमारे कितने पाई बॉन्ड्स हैं, देखिए 1 2 3 4 5, 5 हमारे 5 पाई बॉन्ड्स हो गए, इसका मतलब ये क्या है, ऑड नंबर है, तो अकॉर्डिंग टू क्रेग रूल्स हमारा क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक। तो ये जो एजुलिन होता है हमारा एरोमेटिक, लेकिन ये जो है एजुलिन है ये नेप्थिलीन मॉलिक्यूल्स का आइसोमर्स होते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं इसका जो है, अगर ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कारण यहाँ शिफ्ट करता है, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा और ये यहाँ पे आ गया निगेटिव चार्ज, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज डेवलप करेगा। तो दो साइक्लिक रिंग हैं हमारे, एक साइक्लिक रिंग पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है और दूसरा जो है निगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है।
तो इसमें जो हमारा डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन हो जाएगा इस पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, तो ये जो डायपोल मोमेंट होता है इसका म्यू का वैल्यू जो होता है डायपोल मोमेंट का इज हायर, ये हायर डायपोल मोमेंट होता है, हायर डायपोल मोमेंट इन एजुलीन, तो इसी वजह से हायर होता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो है ये दूसरा मॉलिक्यूल है, तो ये हमारा इस कैटेगरी में आ जाएंगे पॉलीसाइक्लिक नॉन बेंजोनाइल रिंग। दो साइक्लिक रिंग हैं और ये कितने मेंबर्स हो गए, यहाँ 5 मेंबर्स हैं, यहाँ भी 5 मेंबर्स, ये हमारा 5 मेंबर्स, ये भी 5 मेंबर्स, यानी बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर नहीं है। तो इसका जो है देखते हैं इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4, 4 पाई बॉन्ड्स हैं, 4 पाई बॉन्ड्स, तो ये हमारा क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। इवन नंबर होगा तो क्या होगा, ये हमारा नॉन एरोमेटिक। अच्छा, इससे पहले एक और चीज़ चेक कर लेना है कि इसमें C2 सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं। तो देखिए अगर इस तरह से अगर ड्रॉ करेंगे तो ये C2 सिमेट्री है, C2 का मतलब अगर मॉलिक्यूल को रोटेट कर देंगे 180 डिग्री पे तो फिर वही स्ट्रक्चर आ जाएंगे, तो इसमें C2 सिमेट्री प्रेजेंट है और इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं, इसलिए नॉन एरोमेटिक। सिमिलरली यहाँ भी देखते हैं ये दूसरा जो है पॉलीसाइक्लिक नॉन बेंजोनाइड मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें भी 7 मेंबर रिंग है और ये भी क्या है 7 मेंबर रिंग, दोनों 7 मेंबर रिंग हैं, यानी बेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं है, तो नॉन बेंजोनाइड मॉलिक्यूल हो जाएंगे। अब इसमें हमें C2 सिमेट्री देखना है, तो देखिए यहाँ से C2 सिमेट्री हो जाएंगे, C2 सिमेट्री, या इधर से भी देखेंगे तो C2 सिमेट्री होंगे। तो इसमें हम पाई बॉन्ड काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 6 पाई बॉन्ड हैं, यहाँ पे हो गया 6 पाई बॉन्ड, तो ये भी हमारा क्या है इवन नंबर हो गया, इवन नंबर हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। तो इस तरह से आपने देखा पॉलीसाइक्लिक नॉन बेंजोनाइड मॉलिक्यूल में कैसे क्रैग्स रूल अप्लाई होंगे, इसके लिए कंडीशन यही है कि C2 सिमेट्री होना चाहिए, दूसरा अगर ऑड हमारा पाई बॉन्ड्स हैं तो एरोमेटिक होंगे, अगर इवन पाई बॉन्ड्स हैं तो हमारा क्या हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। अब देखते हैं हमारा क्या है नॉन हकल लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड्स, ये सिस्टम जो है इसमें हमारा नॉन हकल लोन पेयर किसको कहते हैं या नॉन हकल पाई बॉन्ड्स किसको कहते हैं, तो ऐसा सिस्टम जिसमें हमारा ये जो लोन पेयर है लोन पेयर ये कंजुगेशन में पार्टिसिपेट ना करे, तो इसको कहते हैं नॉन हकल लोन पेयर। ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं पाई बॉन्ड, अगर ये कंजुगेशन में पार्टिसिपेट ना करे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे नॉन हकल पाई बॉन्ड्स। तो हम लोग को इसमें एरोमेटिसिटी जब चेक करना होगा तो ये लोन पेयर यहाँ काउंट नहीं करते हैं, ये जो पाई बॉन्ड है इसको नहीं, केवल जो पेरीफेरी पे जो पाई बॉन्ड्स हैं उसको केवल काउंट करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं पेरीफेरी पे कितने पाई बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 5 पाई बॉन्ड्स हैं हमारे, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, अगर ये हमारे ऑड में हो गए तो ये हमारा क्या हो जाएगा एरोमेटिक, ये हमारा हो गया एरोमेटिक हो गए। अच्छा, अब यहाँ पे देखेंगे हमारा ये पाई बॉन्ड्स काउंट कर लीजिए, ये सेंटर वाला नहीं करना है, ये पेरीफेरी का, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, इसमें हमारे 6 पाई बॉन्ड्स हैं, 6 पाई बॉन्ड हो गए, तो 6 पाई बॉन्ड हो जाने के कारण ये हमारा क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। अब ये कंपाउंड देखिए इसमें भी जो ये हमारा है ये नॉन हकल पाई बॉन्ड्स हैं, केवल पेरीफेरी के पाई बॉन्ड्स को काउंट करने हैं, तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, इसमें हमारे 7 पाई बॉन्ड्स आ रहे हैं, ये हमारे ऑड नंबर हो गए तो ये हमारे हो जाएंगे एरोमेटिक। तो इस तरह से हम लोग नॉन हकल लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट अगर किसी सिस्टम में है तो उसका एरोमेटिसिटी निकाल सकते हैं। हमारा नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो है फुलवेलिन है, इस कैटेगरी में देखिए कुछ एग्जाम्पल हैं फुलवेलिन का, इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, साइक्लिक कंपाउंड है। अब देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, यहाँ भी हमारा क्या है डबल बॉन्ड है लगे हुए हैं, डबल बॉन्ड यहाँ भी है डबल बॉन्ड, तो ये जो डबल बॉन्ड के कारण क्या होता है हमारा स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन इसमें भी यहाँ स्ट्रेन होंगे और ये स्ट्रेन की वजह से ये हमारे जितने मॉलिक्यूल हैं सारे के सारे हो जाएंगे नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। तो ये जितने सिस्टम हैं सब हमारे फुलवेलिन के एग्जाम्पल हैं, तो ड्यू टू स्ट्रेन ये जो है हमारा स्ट्रक्चर ये हमारा हो जाएंगे क्या नॉन एरोमेटिक। तो इस सेक्शन में देखें आज में
कि आपने क्या क्या देखा। आपने देखा कि एनुलिन में एरोमेटिक करेक्टर एरोमेटिसिटी कैसे होंगे, उसके बाद एजुलिन सिस्टम में देखें यानी पॉलीसाइक्लिक नॉन बेंजोनाइड मॉलिक्यूल में देखें, फुलबेलिन में देखें और नॉन हकल जो है लोन पेयर एंड नॉन हकल पाई बॉन्ड्स इस सिस्टम में देखें कि एरोमेटिसिटी करेक्टर। ओके, थैंक यू।